भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं। सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी स्वस्थ हो, में सभी सुखी हो। तो देखिए, जिनको जल्दी है, नए भी स्टूडेंट्स हैं, पुराने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी शेयरिंग करके जाएं। फाल्गुनी, आपको जल्दी है, एक मिनट आप अपना परिचय दे दीजिए और कोई प्रश्न है तो पूछ सकती हैं। और कैसा लग रहा है आपको फाल्गुनी? आपको जल्दी है, बढ़िया लग रहा है, दो दिन से क्लास करके और बहुत नया नया चीज जानने मिल रहा है, जो जैसे अपने बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं वैसे ही आप एक बुजुर्ग के जैसे, माता पिता के जैसे ही आप सिखा रहे हो हमें कि ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है। आज के जीवन में क्या होता है कि माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, तो अपने को पता नहीं है कि कौन सी चीज कैसे करनी है करके, तो ये क्लास से हमें पता चल रहा है करके कि ये सब चीजें भी होती है जीवन में करके। न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो फिर क्या, सब अपना अपना करते, बच्चे भी अपना करते, पति अपना करता है। तो अभी तक हमने फैमिली टाइम स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि ये सब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इसके लिए, बट सून वी विल ट्राई फॉर द फैमिली टाइम। ओके, थैंक यू। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ, घाटकोपर से, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे यहाँ एक बेटा है और मेरे हस्बैंड हम बाहर गाँव रहते हैं, हम दो ही है घर पे, लेकिन दोनों भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे एक दूसरे से। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। जैसे धीरेन आ जाएंगे, धीरेन को भी जल्दी है। देखिए, जिनको जल्दी हो पहले आ जाइए, बोल के जाइए, बहुत शीघ्रता से आ जाइए। सबको मेरा, मैं धीरेन पटेल, सूरत गुजरात से, इंटरनेशनल कंपनी में एज ए सीनियर मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, प्रोडक्शन लाइन में। हमारा प्रोडक्शन अभी भी बहुत कुछ नया जानने को मिला है और डेफिनेटली इसको खुद तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे और बाकी लोग। थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी ने, निमय चंद्र जी ने डाला है, कुलकर्णी ने। यस यस सर। हाँ जी, हाँ जी, आइए सर, परिचय दो पहले। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा नाम निमय चंद्र कुलकर्णी है, मैं अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ और मैंने कल से ज्वाइन किया है और आज सुबह मैंने कुंजन क्रिया की है स्टार्टिंग में, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ और पूरा पेट साफ हो गया और सर्दी भी है वो कम हो गया, जो सर्दी बहुत थी आज बहुत कम है, तो अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू। सूर्य नमस्कार किए आपने, कितने किए सूर्य नमस्कार? सर 25 किए, 25। अरे वाह, पहले भी करते थे? हाँ, पहले 12 करता था पर अभी 25 हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। तो देखिए, अभी और किसी ने डाला, मैं रुचि को देता हूँ। रुचि, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हो और एक दो पुराने लोगों की शेयरिंग करा लो, फिर नए लोगों की शेयरिंग ले लीजिए और कोई क्वेश्चन है तो वो भी ले सकते हैं। अभी कितनी देर है आप रुचि? मैं हूँ 10 मिनट सर। हाँ, तो 10 मिनट आप ले लीजिए, फिर मैं लेता हूँ। हाँ, तो पहले पुराने लोगों की एक दो की शेयरिंग ले लीजिए, आप अपनी भी कर दीजिए शेयरिंग। जी सर, आप मुझे एक बार होस्ट बना दीजिए। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, एक तो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुचि अग्रवाल है और मैं पुणे से हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अभी मैं करंटली जॉब नहीं कर रही हूँ। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सर के साथ 5 अप्रैल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने भी पहला 6 डेज का जब वर्कशॉप किया तो बहुत सारी बिलीव्स थी मन में कि ग्रेन्स, जैसे हम लोग रोटी दाल सब्जी खाते हैं और उसी से एनर्जी मिलती है, तो सबसे पहले तो ये बिलीफ टूटी क्योंकि फर्स्ट टू डेज थोड़ी प्रॉब्लम थी मुझे, ऐसा लग रहा था हेडेक है, लेकिन उसके बाद मुझे इतनी एनर्जी महसूस होती थी और मुझे बहुत सरप्राइज फील होता था कि मैं सूर्य नमस्कार कर पाती थी
और उन 6 days में आई लॉस्ट 4 kgs, बट उसके बाद से लेके अभी तक टोटल 7 kgs कम हुआ है, ऑलमोस्ट 1 month and 10 days हो गए हैं. दिस इज आई फील अ वेरी स्मॉल चेंज. द मेजर इम्पैक्ट हैज बीन ऑन माई एनर्जी एंड ऑन द फैक्ट दैट आई एम मोर हैप्पी, आई एम लेस इरिटेटेड ऑन माई किड्स, ऑन माई हस्बैंड. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने अभी अराउंड 10 days पहले अपने ब्लड टेस्ट कराए. मैं पिछले 5 सालों से इंजेक्शंस लेती आ रही हूँ, B12 के, D3 के और कैल्शियम के. कैल्शियम का टैबलेट है, पर D3 और B12 के इंजेक्शंस लेती आ रही हूँ मैं. तो इस साल भी मुझे लेने थे, लेकिन कोरोना की वजह से मैं वो उनको बुला नहीं पा रही हूँ इंजेक्शंस के लिए. तो मैंने सोचा टेस्ट करवा लेती हूँ. तो टेस्ट करवाने से मेरे सारे जो भी B12, D3 और कैल्शियम है वो सब नॉर्मल लेवल में आए, जबकि मैं पिछले 5 सालों से आई हैव बीन सीवियरली डेफिशिएंट इन ऑल दीज 3. तो ये मेरे लिए सरप्राइज था, बहुत बड़ा सरप्राइज था एंड अ वेरी हैप्पी वन कि अब और शायद इंजेक्शंस नहीं लेने पड़े. और जब मैंने सर के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, बॉडी में ये चेंजेस आते हैं व्हेन वी अंडरगो दीज प्रिंसिपल्स. इतना अच्छी तरह से अगर हम फॉलो करें तो ये चेंजेस आते हैं बॉडी में. सर वॉज नॉट सरप्राइज. सर ने कहा कि उन्होंने तो अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी और मेजर केसेस को हील होते हुए देखा है. उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अ सरप्राइज एंड यू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस. तो मैं अभी उनके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ. And I really hope that I would experience more magic in my life. Thank you. Thank you very much. I would request Seema ji. Seema ji, hum logon ke saath, sir ke saath kafi samay se judi hui hain aur kafi unka experience bahut valuable hai. Seema ji, over to you, please. Yeah. Hello, everybody. I'm Seema Jhaveri. Ruchi, sorry, I can't open my video right now. I'm outside somewhere. Yeah. Okay. Yeah, I'm doing with sir from a long time and it's really helping me in many things. I've got this varicose vein problem and I was suggested by doctor for the surgery. And luckily last year, jaise COVID iska corona tha, lockdown wagera tha, so I didn't go for the surgery and main sir ke saath jud gayi. And jaise pehle jab main khadi rehti thi, to I used to have swelling in my leg and lots of pain. Evening mein mere ko swelling jo hota tha. And I used to wear stockings and उसका जो varicose vein का पहनते हैं. But अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं 70 सूर्य नमस्कार रोज लगाती हूँ. एक दिन तो मेरे 125 भी हो गए थे. So I've got no pain now and I feel very energetic. And plus मेरा I had a like sweet tooth. तो मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग रहती थी. After every meal I used to eat some मीठा. कुछ नहीं होता था और मैं गुड़ ले लेती थी या कुछ भी. I used to have like चॉकलेट्स का बहुत क्रेविंग रहता था. टीवी देखते हुए चॉकलेट्स खा लिया, ये सब मंचिंग कर लिया. तो वो सब मेरा 80% चला गया है सर. एंड प्लस स्नैकिंग वगैरह, जैसे चाय का आदत था, चाय के साथ नमकीन एंड ऑल, जैसे अपने इंडियन में होता है, इंडियन हाउसेज में. तो दैट आई हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग. नो मिल्क प्रोडक्ट्स नाउ. सो इट्स गोइंग ऑन वेरी नाइसली. एंड मेरे को एसिडिटी वगैरह भी जो हो जाता था कई बार, जैसे हैवी फूड कर लिया एंड तो आई यूज टू हैव पेंटोसेट और ये सब. तो मेरा मेडिसिन से मैं टोटली छोड़ दिया ये वाला सब चीज. मेरे को क्रोसिन 650 भी बहुत बार 3-4 बार हफ्ते में लेना पड़ता था ड्यू टू माई बॉडी एक एंड लेग पेन वगैरह. तो वो मैंने 1 year से अभी क्रोसिन भी सब कुछ टच ही नहीं किया. प्लस मेरा थायराइड लेवल का भी मेडिसिन का बहुत कम हो गया, हाफ हो गया अभी. एंड शुगर का भी मेरा मेडिसिन ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया. सो इट्स रियली हेल्पिंग मी आउट. And plus, I'm very positive, like in relation with my whole family. And neend ka pattern bhi mera disturb tha. I used to be on like my mobile or ye sab WhatsApp wagera pe rehti thi. Main raat ko late sote thi. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, to wo sab me raat ko chest sand bolte hain, massage karke and hot water bath wagera karke and apna mobile wagera main दूर रखकर आई स्लीप नाउ एंड आई गॉट अ वेरी साउंड स्लीप. एंड मॉर्निंग में आई गेट अप एट 4 फ्रेश उठती हूँ मैं. तो दिस प्रोग्राम इज रियली गुड एंड आई थिंक ये लाइफस्टाइल आप करो तो आप बीमार नहीं हो सकते हो. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई विल टेल एवरीबॉडी टू प्रैक्टिस इट नाइस. थैंक यू जी. थैंक यू सीमा जी. रेखा शिरगांवकर. रेखा जी,
अनम्यूट कीजिए रेखा जी, आप म्यूट पर हैं। हाँ अभी अभी आवाज आ रही है। आई गेस हाँ आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। नहीं दिख रहा है क्या? वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ वो चार्जिंग कम हो गया है शायद। ओके ओके। और मेरा अंतर भी है इसलिए मैं अभी दिस इज द सेकेंड वीक, लास्ट वीक से मैंने किया था, लेकिन मुझे तो पहले दो दिन में ही बहुत सारा असर हो गया। एक्चुअली मैंने अभी उस लड़की को भी बोल रहा था, कोई सूर्य नमस्कार के बारे में बोल रही थी ना, कितने सालों से, अभी मैं 63 हूँ, अभी इतने सालों में कभी भी मैं सूर्य नमस्कार नहीं किया है। छोटी थी तब किया होगा शायद, लेकिन जब से मुझे समझ आई और योगा का क्लास किया था तब से मैं कभी भी सूर्य नमस्कार कर ही नहीं सकती थी। दो तीन नमस्कार के बाद में मेरे बैक पेन आता था, इसीलिए मैंने वो करना छोड़ दिया था। सर को भी मैंने उस दिन बोला था, पहले दिन सर मैं नहीं कर सकती तो क्या करूं, ट्राई तो कीजिए बोले, लेकिन उस दिन तो मैं 12 नमस्कार डाला फर्स्ट टाइम, और दो दिन का अनशन रखा था 48 आवर्स का, उसका भी बहुत फायदा हुआ है। वेट में उतना ज्यादा नहीं हुआ तो भी 2 किलो कम हो गया 6 दिन में। अभी मैंने मेजर नहीं कर रही हूँ, बाद में एक ही साथ मेजर करने के लिए। और घुटनों में दर्द था, घुटनों में और कमर में भी दर्द था, घुटने का दर्द तो मेरा चला गया है। 15 मिनट में चली तो मुझे बहुत दर्द होता था दोनों घुटनों में, लेकिन अभी तो मैं मोर देन 15 मिनट से ज्यादा आधा घंटा तक चलूंगी फिर विदाउट नी कैप्स। पहले तो मैं कभी भी वॉकिंग जाती तो नी कैप डालकर ही जाती थी, विदाउट डालकर जाती थी। अभी तो विदाउट नी कैप में तो आधे घंटे तक आराम से चल पाती हूँ। और दूसरी चीज तो घर का भी काम में मुझे बहुत एनर्जी आ गई है, क्योंकि जब से मैंने क्लास शुरू किया उस दिन से मेरे काम वाली वो छुट्टी पर गई। पहले अगर काम वाली छुट्टी पर गई तो मुझे तो सर पर आकाश गिर पड़ता था, इतना मुझे तकलीफ होती थी। अभी तो मैं घर का सभी काम हंसते हंसते करके सब कुछ, और इसके साथ डाइट के साथ विदाउट एनी प्रॉब्लम आई मैनेज माई हाउस होल्ड वर्क। और अगर कोई भी लड़का भी अगर ऐसा वैसा बोलता है तो उतना गुस्सा नहीं आता है। पहले मैं वो बहुत चिढ़ जाती थी और उसको थोड़ा गुस्सा कर दी, अभी मैं छोड़ देती हूँ, रहने दो छोड़ो, अगर नहीं करेगा तो छोड़ो, ऐसा इतना तो मन में उतना मेरा यह आ गया है। सिर्फ अभी कितना 6 days और 2 days 8 to 10 8 days, लेकिन बहुत सारा चेंजेस है, एनर्जी भी बहुत सारी है, ये हो गए। सो नाइस टू हियर यू, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, वेरी गुड। एवरीवन प्लीज लेट मी नो अब कौन शेयर करना चाहता है आपके एक्सपीरियंस या आज का एक्सपीरियंस। रुचि आई हैव अ क्वेश्चन फॉर सर। या हेलो कैन यू हियर मी? यस यस कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। या कैथरीन, Catherine, yeah. I actually have a problem with the net, so I will not be able to start the video. Okay. I just need to ask sir that I was doing Kunjal in the morning, okay. And after Kunjal, I used to do the I was doing the Surya Namaskar and whatever exercises that walking, brisk walking, leg ups, sit ups, everything, and the Surya Namaskar. Now I was comfortable with that, but I was just discussing with Ragini, and then Ragini said that no, Kunjal takes away a lot of your energy, so you must not do anything for an hour after you do Kunjal. So I thought, okay, fine, today, आज मैंने नहीं किया, पहले मैंने exercise करके फिर कुंजल किया, but I was not very comfortable with this whole thing, like, I mean, कुंजल किया, but right. I was a little uneasy with it, so I just want to clarify with sir, can I do it the way I was doing it in my schedule, like मैं washroom and then do the brushing of teeth and कुंजल, and then I get out to do all my other exercises, is it okay? देखिए ऐसा है, Catherine ऐसा है, हाँ कुंजल पहले ही करना चाहिए, उसके बाद एनर्जी आ जाती है। हाँ तो उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं तो डर गई, मैंने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए एक मिनट लेट मी कंप्लीट ना। या 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 और उसके बाद जरूरी नहीं है कि घंटा भर करें आप,
ये तो आप स्थिति देख लीजिए, 10-15 मिनट भी बहुत हो सकता है। ठीक है ठीक, मैं तो करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब आपको आदत पड़ जाए, बॉडी फिर समझ जाती है, नए व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। ओके समझ गए, तो इसलिए है। लेकिन आप क्लास में आना है, क्लास में आते ही तो कुछ करते नहीं है। हाँ नहीं, खाना खा के फिर कहाँ से मैं सूर्य नमस्कार सब कुछ करूँ, इसलिए मैंने खाना खाया था। जब ये दोपहर का क्लास में मैं खाना खा, वही टाइम में खाना हो रहा है। नहीं नहीं, खाना आपको 11 बजे खाना है, जो दोपहर की क्लास में आने हैं, 11 बजे आपका फल का समय है, 12 बजे तक मेरा नहीं हो पा रहा है। हाँ तो ये आप देखो, नहीं तो फिर सुबह आइए आप, आपने पहले सुबह का बैच किया था राइट। हाँ तो आप सुबह आ सकते हो राइट राइट। और मैं हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफी सारे चेंजेस है ये करने से। I am very happy because मेरा नी एक्सीडेंट है, राइट नी इंजर्ड, एंड आई थॉट आई वुड नेवर बी एबल टू डू सूर्य नमस्कार, बट आई ऑन द फर्स्ट डे ओनली आई स्टार्टेड विद अराउंड 10 or 12 और समथिंग, एंड अब पिछले कुछ दिनों से मैं 30-30 कर रही हूँ। सिर्फ आज थोड़ा सा एनर्जी, पता नहीं क्या ये कुंजल ऑड टाइम पे करने से थोड़ा सा मेरा एनर्जी नहीं मिला मुझे आज, तो आज मैं 12 में ही मैं थक गई। तो और उसके पहले मैं थोड़ा सा वो ब्रिस्क वॉकिंग रनिंग वो सब कुछ कर दिया, सेटअप्स ऊर्जा सब कुछ किया था, तो थोड़ा थक गई थी, तो उसमें मेरा सूर्य नमस्कार कम हो गया आज। बट ओवरऑल मैं डाइट भी मेंटेन कर रही हूँ जितना हो सके उतना, एंड आई एम ट्राइंग टू मेंटेन कर रही हूँ ये इंटरमिटेंट फास्ट का जो पीरियड, बट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, दैट्स ऑल। बट आई एम हैप्पी विद द एनर्जी, आई एम हैप्पी विद द आउटकम, काफी सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं बॉडी पे। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये कुछ लोग हैं जो सब मतलब इनका अनुभव जो नए लोगों के लिए बड़ा प्रेरणाप्रद है, और जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने शरीर से प्यार करते हैं, ये वो लोग हैं। और किसको कराना है रुचि बताइए। सर किसी ने भी अभी ऐसा नाम तो, नहीं दिया तो, मैंने तो देवांशी को लिया आपने, देवांशी आप आइए। हाँ चलिए मैं लेता हूँ, अब जो है आप तो, जब तक रहना चाहे रह सकते हैं, आपको जल्दी हो तो जा सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं। हाँ ये देवांशी अपने अपने आप को सेंटर में करिए, ये देवांशी आप सुन रहे हो हमारी बात, अनम्यूट करिए। यस हाँ, थोड़ा चेहरा दिख नहीं रहा आपका, थोड़ा सेंटर में करिए ना। हाँ बताइए, अपना परिचय दीजिए और आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है बताइए। मेरा नाम देवांशी राउत है, मैं 14 इयर्स ओल्ड हूँ, 9th क्लास, और मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतना शॉर्टकट, कुछ और बताओ अपने बारे में यार, ऐसी क्या बात हुई, कोई नाराज तो नहीं हो आप? नहीं, मुझे टेनिस खेलना अच्छा लगता है। और प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा अब तक आपको, क्या आपने सीखा प्रोग्राम में? नहीं, सोने से पहले पेडिक्योर और पेडिक्योर और यही सब। तो आपको कल बताना है सारा आपने जो सीखा है, नाइट रिचुअल कौन कौन से है, 1, 2, 3, 4 सब आपको याद करके बताना है, और सुबह के जो मॉर्निंग रिचुअल से वो भी बताना है, ठीक है? और कल फूड मेडिटेशन सिखानी है सबको, 5 मिनट सिखा दोगे? सारा रिकैप आपको कराना है जो हमने आज तक बताया है, दे रिचुअल नोट्स डाल रहे हैं हम ग्रुप में, नोट्स हैं आप उनको देख लीजिए, देख के आना। कल आपको सुबह 10 मिनट पहले आके सबको रिवाइज कराना है, रिकैप कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरे नोट्स हम ग्रुप में डाल रहे हैं और बिना देखे बताना है, ठीक है? कैन वी डू दैट? अच्छा चलो, थोड़ा सा चीटिंग कर लेना, थोड़ा देख लेना है, नोट्स बना लेना अपने, और नोट्स बना के अपने नोट्स को देख के बोल सकते हो, लेकिन हमें नहीं देखना चाहिए कि आप देख रहे हो, ठीक है? किस चीज के नोट्स मतलब? अरे जो अब तक सिखाया है, मॉर्निंग रिचुअल, डे रिचुअल, जो भी चीजें सिखाई है उसके नोट्स हम ग्रुप में डाल रहे हैं ना, कि भाई सोते समय क्या करना है, सुबह उठते समय क्या करना है, और दिन में क्या करना है, बस इतना ही, और क्या है? ठीक है ओके। चलिए और कौन है, और कौन शेयरिंग करेंगे अपनी? देखो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए शीघ्रता से, तो नहीं तो ऊपर से मैं ले लेता हूं।
सबसे पहले अरुण जी को ले लेता हूँ। अरुण जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी अरुण जी, सर जी अनम्यूट करिए सर अपने आप को। अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ जी, आवाज आ रही है आपके पास? अब आ रही है। मैंने एक तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इस शेड्यूल को पहले दिन से ही फॉलो कर सकूं, तो मैंने इनफैक्ट कल से ही शुरू कर दिया था। हालांकि कल शाम का सेशन पहला था मेरे लिए, बट दिन में मैंने वो जो आपका डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब फॉलो किए, और आज भी सुबह के वक्त से मैं टाइमिंग्स मोर और लेस, आई विल नॉट से 100% बट 99% आई हैव बीन एबल टू फॉलो, एंड आई फाइंड दैट आई एम मोर एट पीस विद माय सेल्फ, बिकॉज जो शेड्यूल है, एक जो डिसिप्लिन जो रूटीन में आ जाती है, उसके वजह से मेरा जो दिन निकलता है उसमें मेरे को आइडल टाइम नहीं मिल रहा। नहीं तो क्या होता है, द आइडल माइंड द डेविल्स वर्कशॉप, वो दिमाग अलग अलग चीजों में चलते रहता है, तो वो नहीं चला। सुबह जैसे बेड योगा करके और टाइम से वॉशरूम जाना, उसके बाद अपने जो आपने नोट्स बताने के लिए बताया था और अपना एक्सरसाइज करना, तो वो फॉलो करने से और टाइम से, मतलब नॉर्मली मैं 2:30 3 भी बज जाते हैं मेरे खाना खाने का समय में, बट आज जो 12 और 1 के बीच में खाना खाया, तो और जो सुबह जो डाइजेशन हुआ, मतलब बॉडी का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस था वो मच इम्प्रूव था, तो मेरे को हल्का भी फील हुआ, एनर्जी भी फील हुआ। और मैंने खाली प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे जाके देखा था कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, हालांकि मैंने बहुत साल पहले 7-8 साल पहले एक योगा कोर्स किया था, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि अदरवाइज आई डू हाफ मैराथन एंड ऑल, बट आई मेरे को नहीं लगता था कि मैं इतने सारे सूर्य नमस्कार आपके साथ कर सकूंगा, और आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ कि जब तक म्यूजिक चलते हैं, जब तक वो 15 मिनट खत्म नहीं हो जाते, मैं आपके साथ ये सूर्य नमस्कार करते रहूं। And I was quite happy that I was able to finish it. Though उसके अंत में इसलिए मैंने 4 पीस लगा दिए थे perspiration के लिए, काफी मेरा ऊपर से नीचे तक मैं पसीने में तर था, but I felt very happy that my body is being able to take this. And I hope at the end of this course, holistically I am a much improved person. तो मैं notes वगैरह ले रहा हूँ, जहाँ मेरे doubts होंगे पक्का मैं पूछूंगा, बट अभी तक की प्रोग्रेस से मैं बहुत खुश हूँ, अपने साथ भी और इस कोर्स के साथ भी, और बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस से भी मैंने काफी कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच। बहुत उत्साह मेरा भी बढ़ रहा है आपकी बातों से। और कौन बोलेंगी? रितु जी, रितु जी आप आइए। हाँ जी मैडम जी, पहले परिचय देना है जी अपना। अब देखो बार बार परिचय दोगे तभी याद होगा, नहीं तो लोगों को आलस आता है, कल बता तो दिया था, आज क्यों बताएं अपने बारे में? अरे बताओ ना, कोई अच्छी बात भी बताओ अपने बारे में। मैंने बताया था एक्चुअली कि आई एम वर्किंग वुमन और मेरी 9 साल की बेटी है, तो मैंने कल से रूटीन फॉलो करना शुरू किया। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट फॉलो किया, बट काफी हद तक क्लोजली फॉलो किया। डाइट में तो डेफिनेटली फॉलो किया, बट नॉट एवरीथिंग इन द नाइट रिचुअल। आज मॉर्निंग में भी रूटीन फॉलो किया। ये मुझे जो एक इमीडिएट चीज नजर आई अभी है, वो उसमें कि मैंने आज सुबह जो सूर्य नमस्कार 10 सूर्य नमस्कार किए थे, बट दैट टुक मी लॉन्ग टाइम, 15 मिनट के आसपास लगाए होंगे मैंने। और मैंने पहले भी जब भी मैं 2 साल करती थी योगा सुबह रोज, बट उसमें भी मैं 30 सूर्य नमस्कार करती थी, बट दैट यूज्ड टू टेक मी 25 मिनट्स। मतलब बहुत, आई थिंक मैं ही आराम से करती थी, क्या था पता नहीं, बट अभी जब आपके साथ किया अभी इसमें, तो उस म्यूजिक के साथ मैं आराम से 20-25 कर पाई, एंड मतलब वो लगातार भी नहीं था, मतलब इट वॉज इंटरमिटेंट। तो दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन, मतलब आई कुड सी कि उतने ही आप 10 मिनट में भी कर सकते हो, मतलब तो डेफिनेटली वही है जैसे आपने कहा ना कि हमें नहीं पता होती हमारी बॉडी की क्षमता क्या है। आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू। और कल मैं आपको बता रही थी मेरे चाय के बिना सर दर्द हो रहा था, बट कंट्रोल किया। आई थिंक शाम को कुछ नहीं था, मैं ये आइडिया नहीं ड्रग कर पाई कि मैं कुछ डिनर में ना लूं, तो मैंने फ्रूट ले लिया था। बट हाँ, आई थिंक इवेंचुअली आज मुझे नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, बीच बीच में हो रहा था, बट फिर मैंने कल मैंने टी नहीं ली थी बिल्कुल भी, मतलब ये
ग्रीन टी नहीं ली, तो आज मैंने वो ले ली तो अब मुझे कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, मतलब तलब भी महसूस नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत हाँ लग रहा है कि भूख लग रही है, बट ऐसा कोई ऐसी क्रेविंग नहीं है कि वो जाके किचन में कुछ तो एक बिस्किट तो ले लो, एक बाइट तो ले लो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आई थिंक वो काफी अच्छा महसूस हो रहा है उस बात से लेकर। बहुत बहुत बढ़िया, दूसरे दिन ही आपको तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो रेखा जी का हो गया, लक्ष्मी प्रसन्ना। हाँ यस सर। हाँ जी, हाँ जी, इट इज वेरी गुड एस्पेशली विद द डाइट। आपके साथ और कौन कौन है, अपना परिचय तो दीजिए। मैं लक्ष्मी प्रसन्ना हूँ और मैं एक बैंकर हूँ और एक्चुअली आई एम अ लॉ, लॉ बैकग्राउंड इज लीगल प्रोफेशनल। ओके। एंड आई वर्क इन द लीगल डिपार्टमेंट इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके। एंड आई एम अ कुचिपुड़ी डांसर। अच्छा, वेरी गुड। एंड एनीवे सर, माय डाइट इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड बट नाउ आई एम कंप्लीटली ऑन फ्रूट्स एंड द सलाद and fruit juice, vegetable juice I had in the morning. Yesterday also I had coconut water. So I feel very light. Normal diet से थोड़ा अलग है ना, इसीलिए body is very light and I feel very good. Hopefully within the कोई दो मिनट का कुचिपुड़ी डांस दिखा दो हमें, सबको थोड़ा परिचय मिल जाए ना आपका। हाँ? सर, फिर दिखाओगे कब, कब दिखाओ, कल कल और परसों दिखाते हैं। ठीक, थैंक यू। रचना शर्मा जी, सर मेरे पास ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था, मैं इसलिए चुप बैठी थी। तो आप अपने बारे में तो बता दो कुछ, अपने बारे में भी नहीं, अपने बारे में, बच्चों के बारे में, क्या करते हो आप, क्या चीज का आपके ड्रीम्स क्या हैं, कुछ बता दो। दो लड़के हैं, दो आई हैव टू सन्स, दोनों वर्किंग हैं, बाहर यूएस में रहते हैं, वहां काम करते हैं, एक मैरिड है एक अनमैरिड है। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, हस्बैंड मेरे रिटायर्ड सेशन जज हैं और मैं 8-10 साल मैंने टीचिंग जॉब की है, अभी मैं घर पर ही हूँ। ओके। बाकी मेरे को ना ये नींद की प्रॉब्लम मैंने बताई हुई है आपको, स्लीपलेसनेस है, तो नींद की मेरे को कल भी बहुत प्रॉब्लम हुई और बर्ब्स आते हैं जब मतलब जैसे कुछ टाइम हो, कुछ घंटे हो जाते हैं खाना खाए हुए, उसके बाद बर्ब्स आने शुरू हो जाते हैं, तो कल भी ऐसे ही नींद भी नहीं आई और फिर 11 बजे के करीब फिर बर्ब्स 11:30 बर्ब्स आने शुरू हो गए और मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ, मैं सो नहीं पाती और भी ज्यादा, तो मैंने तो फिर रात को उठ के दो बनाना खाया, मेरी इंटरमीटेंट फास्टिंग भी नहीं हुई है, इसीलिए मैं चुप थी कि मैं क्या बताऊं। देखो ऐसा है, ये बर्फ को रोकने के लिए और ये परेशानी को करने के लिए ये उपाय तो आप करते आ रहे हो इतने सालों से, कितने सालों से प्रॉब्लम है आपको ये? काफी साल हो गए। कितने साल हो गए? हो गए 7-8 साल। 7-8 साल पुरानी प्रॉब्लम है, ऐसी ठीक करते आ रहे हो आप, कभी केला खा लिया, कभी रोटी खा ली, कभी बिस्कुट और चाय पी ली। ये ना जब कुछ खा लेती हूँ तो वो दब जाते हैं कुछ थोड़ी देर के लिए, नींद टाइम में मुझे नींद आ जाती है, फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं सो नहीं पाती। तो लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, इन बर्फ को एक बार आने दो, कब तक आते हैं। अच्छा, एक बार तो सामना करना पड़ेगा ना भूत का। ठीक है, एक बार तो भूत का सामना करना पड़ेगा, सामना नहीं करोगे तो कैसे होगा, डरते रहोगे उससे। तो मैं सारी रात ही नहीं सो पाऊंगी। तो नहीं सो, क्या हो गया एक आध दिन नहीं सोने के, तो
जब घर में शादी होती है तब भी तो नहीं सोते हैं, दिन में सो जाएंगे। और अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करोगे जो हमने सिखाया है, कायोत्सर्ग करोगे सोते समय, तो नींद आएगी आएगी। और जब नींद नहीं आए तो कायोत्सर्ग करते रहेंगे सारी रात, आपको मौका मिल रहा है प्रैक्टिस करने का, सुबह फ्रेश उठोगे बिल्कुल। ठीक है, कोशिश करेंगे ना थोड़ा सा शरीर को छोड़कर, शरीर से अनासक्त होने का विज्ञान देखोगे, शरीर पड़ा है अच्छा भी, अब भर पा रहे हैं तो देख रहे हैं कब तक आएंगे, देखेंगे कितने आ रहे हैं, कहां से उठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। जैसे सागर की लहरों को देखते हैं, जैसे नदी को देखते हैं, ऐसे अपने शरीर को देखने की आदत डालो ना एक दो तीन दिन। नहीं वैसे ये मैं 10 साल पहले जैसे ब्रह्मज्ञानी गुरु से कनेक्ट हुई हूँ और भगवत गीता का ज्ञान और सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें ये दृष्टा साक्षी ये सब आता है कि आत्मा है हम और दृष्टा है साक्षी है, और उस हिसाब से देखना, तो मैं अच्छे से कनेक्ट भी कर पा रही हूँ और पहले भी प्रैक्टिस की है इस चीज की। और जो आप जैसे कह रहे थे कि अंदर साइलेंट वॉइस है, तो वो अनहद नाद उसको बोलते हैं, ओम की ध्वनि हमारे अंदर हमेशा बजती है सांसों के साथ, तो वो भी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। देखो ऐसा है, देखो रचना जी, हाँ जी, हमने बहुत सारी बातों को सुना हुआ है और हम उसको अच्छी लगती है वो, अब आपको कनेक्ट कर लिया तो अच्छा लग रहा है, लेकिन परीक्षा की घड़ी में तो फेल हो गए ना, वो ज्ञान गुरु महाराज का काम नहीं आया ना। जब साक्षी भाव से होना था तब तो हुए नहीं, तब तो उठ के केला खा लिया, तो खत्म हो गई बात। तो अभी शिक्षा अधूरी है, नॉलेज अचीव्ड विजडम लिंगर्स, आप समझते हो इसका मतलब क्या है। नॉलेज तो अचीव हो गई हमें, हमें गुरु महाराज से मिल गई, अब जिनेन्द्र जैन से मिल गई, बड़े खुश हो गए हम, लेकिन उससे काम नहीं पड़ेगा। काम तो तब आएगा जब आपकी नॉलेज समय पर आएगी, हथियार वो है जो समय पर काम आए। तो साक्षी कब होना था, जब ये बर्पिंग हो रही थी? नहीं वो मेरा एक्सपीरियंस जो था कि मुझे लगा कि उससे दब जाएगा फिर मेरे को नींद आ जाएगी। अरे भैया तो सही, अरे नींद नहीं आई तो क्या हुआ, साक्षी होना है ना। जब अगर हम साक्षी में होंगे तो नींद आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह फ्रेश उठेंगे। ठीक है, आज आज मैं वही प्रैक्टिस करूंगी। हाँ देखो बर्फ कब तक आते हैं, यही तो साक्षी भाव है, यही तो परीक्षा की घड़ी है, यही तो ज्ञान को अजमाना है। देखो वो आपने सुना है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्तकाल पर रखिए चारी। आपत्ति के काल में चारों की परीक्षा होती है ना, अगर धर्म को समझा है हमने तो आपत्ति काल आएगा तब पता चलेगा कितना धीरज है, बताइए यस और नो। हाँ यस। अब देखो मुझे 3 दिन से वायरस हो रहा है, मैं परेशान नहीं हूं ना, तो मैं कोविड चेक करा रहा हूं जाकर अपना, धैर्य से अपने आप को बस भोजन को मिनिमम किया हुआ है, मिनिमाइज किया हुआ है। और कल रात सारी रात मुझको भी नींद नहीं आई, लेकिन आप देखो सुबह 5 बजे से 6 बजे से काम कर रहा हूं ना नॉन स्टॉप, अभी भी क्लास ले रहा हूं। तो देखिए धैर्य से करेंगे तो चीजों से बाहर निकल आएंगे, ठीक है, और वही करते रहेंगे जो अब तक 7-8 साल से करते आए, तो फिर शिविर के बाद भी वही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है चलिए, और कौन आ रहे हैं? हाँ जी मीनू, मीनू है, सौरभ है, सपना है, सपना खीताम, रितु घरवाल है, आइए ना। देखिए अपना परिचय, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन को समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, किसी को अपनी शेयरिंग करनी। मीनू जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, एम आई विजिबल? यस आप विजिबल भी हैं और आवाज भी आ रही है। सर एक तो मेरी क्वेरी थी कि पहले, कल परिचय मैडम जी, परिचय पहले परिचय। हाँ जी सर, मैं मीनू मान और मैं दिल्ली से हूँ और आई एम अ टीचर, आई टीच कॉमर्स। और आपका जो है अभी मैंने कल जैसे फास्टिंग की